Dear students of English literature class 10th, today our topic is the Ganga, that's written by Jawaharlal Nehru. Students, आज के इस lecture 4 हिंदी version lecture में आप देख रहे आप attend कर रहे हैं और ऐसी classes of English language. Students, मैं हूँ M. रहमान और हमारा topic चल रहा है the Ganga. Please subscribe कीजिए हमारे channel और ऐसी classes of English language को ताकि आप academic से related, literature से संबंधित और grammar से related सभी chapters को आप लोग स्टडी करते रहें और से जुड़े रहें और अपडेटेड रहें. इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को. आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 द गंगा. स्टूडेंट्स, ये गंगा चैप्टर जैसे कि हमने पहले बताया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित एक उनकी वसीयत का अंश है जिसको हमने यहाँ टाइटल द गंगा दिया हुआ है. आइए देखते हैं कि अपनी वसीयत में अपनी मेजर पोर्शन ऑफ एशिज को जवाहरलाल नेहरू जी कैसे कहते हैं कि डिस्पोज किया जाए. आइए उसको जानते हैं यहाँ पर कि कैसे हमें उसे डिस्पोज करना है. स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इस वसीयत के पहले हिस्से में कि उनकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाए इलाहाबाद ला करके गंगा में, एक मुट्ठी अस्थियों को. अब बाकी जो बड़ा पोर्शन ऑफ एशिज बचा हुआ है उसको कैसे किया जाए, आइए यहाँ पर देखते हैं. आगे आप जानेंगे. जवाहरलाल नेहरू जी इस लेक्चर 4 में हम जानेंगे कहते हैं कि एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम. स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है. आइए समझते हैं. जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहता आई डिस्कार्डेड, मैंने छोड़ दिया है पास्ट ट्रेडिशंस, कुछ हमारी पुरानी मान्यताओं को, कस्टम्स, रीति रिवाजों को. एंड आई एम एंग्शियस, और मैं चिंतित हूँ, दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स, कि भारत भी सभी इन जंजीरों को, इन बेड़ियों को जिन्होंने बाइंड मीन्स बांध रखा है, कंस्ट्रेन हमें दबा रखा है, हर अपने आप को, एंड डिवाइड हर पीपल, और अपने लोगों को विभाजित कर रखा है, सप्रेस, कुचल रखा है, वास्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोगों को. एंड प्रिवेंट द फ्री बॉडी, फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट, और इसने हमारे लोगों के मानसिक और शारीरिक विकास को रोक रखा है. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार फिर समझ लेना जरूरी है. नेहरू जी अपने भारत की मान्यताओं का एक अंश छोड़कर, काटकर निकाल फेंकना चाहते हैं, डिस्कार्ड कर देना चाहते हैं. वो कहते हैं मैं एंग्शियस हूँ, चिंतित हूँ कि भारत के लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इन पुरानी मान्यताओं ने, जो मान्यताएं अच्छी नहीं हैं, इनको काट कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों को बाइंड कर रखा है, बांध रखा है, कंस्ट्रेन, उनका दमन कर रखा है, डिवाइड, इन लोगों को आपस में विभाजित कर रखा है, एंड सप्रेस, उन्हें कुचल रखा है, वास्ट नंबर ऑफ देम, भारत के लोगों को. एंड प्रिवेंट, और रोक रखा है उनके फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी को और स्पिरिट, और उनके मानसिक और शारीरिक विकास को. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाई डिड नेहरू वांट इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ शेकल्स ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. तो आपसे पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी क्यों चाहते हैं कि भारत के लोग कुछ विशेष खराब पास्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को छोड़ दें. तो आप कहेंगे क्योंकि उन्होंने हमारा दमन कर रखा है, हमें हमारे जो ग्रोथ है उसको कुचल रखा है, उसने हमारे लोगों को विभाजित कर रखा है, हमारा दमन कर रखा है, हमारे शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट को रोक रखा है. इसलिए जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि भारत के लोगों को उन सारी पुरानी खराब ट्रेडिशंस और कस्टम्स को काट फेंकना चाहिए. ठीक है, यहाँ से आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, बाकी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को जवाहरलाल नेहरू क्यों चाहते हैं कि बना कर रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए. तो आइए देखते हैं. दो आई सी कॉल दिस, हालांकि मैंने ये सब कुछ ढूंढा, येट आई डू नॉट विश, लेकिन मैं नहीं चाहता, टू कट माई सेल्फ ऑफ, अपने आप को पूरी तरह से काटना, फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, पास्ट से कम्प्लीटली. स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं पास्ट से अपने आप को पूरी तरह काटना भी नहीं चाहता. आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इन्हेरिटेंस. अब जो बचा हुआ हिस्सा है हमारी विरासत का, स्टूडेंट, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अपनी इस ग्रेट इन्हेरिटेंस विरासत का बहुत अधिक, इस पर मैं गर्व करता हूँ. एंड इज, ये हमारा है, आर्स, हमारा रहेगा. एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं इस बात को लेकर कॉन्शियस, बहुत अलर्ट हूँ, सचेत हूँ, दैट आई टू, कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस, सभी लोगों की तरह से, एम अ लिंक, मैं भी एक कड़ी हूँ,
इन दिस अनब्रोकन चैन, इस न टूटने वाली चैन में, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो कि डॉन मीन्स उदय, शुरुआत, जो कि हमारी हिस्ट्री के बिगिनिंग तक जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अति प्राचीन समय तक। अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने आप को बचे हुए शेष भाग से नहीं काटना चाहता, क्योंकि मेरे को इस बचे हुई विरासत पर, संस्कृति पर अब मुझे बहुत गर्व है, ये हमारी है, हमारी रहेगी, और मैं इस बात को लेकर बहुत अधिक चिंतित सचेत हूँ कि मैं भी सभी लोगों की तरह से एक कड़ी हूँ, और ये कड़ी हमारे भारत के इतिहास के प्राचीन समय के बिगिनिंग तक जाती है। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो गंगा है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था, गंगा फ्यूचर पास से आ रही है, प्रेजेंट में बह रही है, ठीक है, और ये आपने देखा था लेक्चर 3 में, और ओशन ऑफ फ्यूचर में जा रही है। तो जवाहरलाल नेहरू के समय में ज़रा आप सोचें कि जवाहरलाल नेहरू जिस समय बात कर रहे थे वो वर्तमान था, आज वह उनका पास्ट बन गया है। अर्थात गंगा पिछले समय को देखे हुए है, आज देख रही है, और फ्यूचर में जाकर के जोड़ देगी, अर्थात वह भारत के इतिहास की सारी कड़ियों को जोड़ने वाली है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं इस चैन को नहीं तोड़ना चाहता, और मैं इस चैन का के साथ बने रहना चाहता हूँ, एंड फॉर आई सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वह इससे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, वह इससे कुछ प्रेरणा हासिल करते हैं, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर और अहम बात आती है, और इस इच्छा के साक्षी के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज, और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, इंडिया के इस सांस्कृतिक विरासत को, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दैट आई हैंडफुल ऑफ माई एशिज, कि मेरी एशिज का एक हैंडफुल टू बी थ्रोन इन टू द गंगा, इलाहाबाद गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, टू बी कैरिड इन टू द ओशन दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, और उसकी वजह यह है कि वह भारत के चरणों को धोता रहता है, वह जाकर भारत के समुद्र में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आइए मैं पूरा सेंटेंस दोबारा से समझाता हूँ। जब एक मुट्ठी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित होंगी, तो जब गंगा में प्रवाहित होंगी तो वह गंगा उसको समुद्र तक ले जाएगी, और आपने भारत का अगर नक्शा देखा हो तो समुद्र भारत के चरणों को धोता रहता है, जो कि आपका साउथ श्रीलंका से ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, कन्याकुमारी जो हमारा लास्ट पोर्शन है उसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरी जो एक मुट्ठी राख है वो गंगा से होती हुई ओशन में पहुंच जाएगी, और ओशन भारत के चरणों को धोता रहता है। तो ये था एक हिस्सा। अब आइए दूसरा, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशिज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, अर्थात मेरा जो बड़ा पोर्शन ऑफ एशिज है उसको भी खर्चा करना है, डिस्पोज करना है, आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर। स्टूडेंट्स, आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लग सकता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि उनके अस्थियों के बड़े हिस्से को हवा में ऊंचाई पर एरोप्लेन द्वारा ले जाया जाए, ठीक है, इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट, और ऊंचाई से ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, पीजेंट्स मीन्स द फार्मर्स, स्टूडेंट, जहां पर भारत के फार्मर्स टॉयल करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, वहां पर इसको बिखेर दिया जाए। अब बिखेरने के बाद क्या होगा कि सो दैट, ताकि मिंगल, मिक्स हो जाए विद द डस्ट, मिट्टी के साथ, द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी के साथ, एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। स्टूडेंट्स, आइए इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं, मेरे मेजर पोर्शन की जो अस्थियां हैं उनको हाई अप एयर में ले जाया जाए एरोप्लेन से, उन्हें उन खेतों के ऊपर ऊपर से बिखेरा जाए जहां पर मेरे देश के जो किसान हैं मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और मैं चाहता हूं ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह से करने से ये जो मेरी अस्थियां हैं ये भारत की मिट्टी का एक अभिन्न अंग, अभिन्न मतलब इनसेपरेबल पार्ट ऑफ, जो कभी ना अलग होने वाला पार्ट बन जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंडिस्टिंग्विशेबल है, लिस्ट ए लिस्ट बी में आने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, इसके बाद स्टूडेंट्स उनकी ये वसीयत पूरी हो जाती है, और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ इस विल और इस टेस्टामेंट को न्यू दिल्ली में 21st day of June, 21 जून को, इन द ईयर ऑफ द 1954, 1954 में। तो स्टूडेंट्स, चलते चलते यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स लॉन्ग में आ सकता है,
राइट द विल एंड टेस्टामेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो इसके आप थ्री पार्ट्स करेंगे। पहली लाइन में इंट्रोडक्शन देंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक विल लिखी थी 21 जून 1954 को, उसके तीन पार्ट हैं। पहला ये है कि उनकी जहां भी मृत्यु हो, अगर उनकी मृत्यु विदेश में हो तो वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। दूसरे पार्ट में आप लिखेंगे कि उनकी अस्थियों को इलाहाबाद लाकर के एक मुट्ठी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएं, और फिर तीसरे पार्ट में लिखेंगे उनके मेजर पोर्शन ऑफ एशिज को हाई अप इन द एरोप्लेन ले जाया जाए, वहां से स्कैटर कर दिया जाए, फैला दिया जाए उन फील्ड्स पर जहां पर पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल करते हैं, भारत के किसान पसीना बहाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि वो ऐसा क्यों कराना चाहते थे, तो एक मुट्ठी राख के बारे एक मुट्ठी अस्थियों के बारे में आपका जवाब होगा, ताकि वह अस्थियां भारत की गंगा से होती हुई समुद्र में विलीन हो जाएं, और समुद्र चूंकि भारत का पैर धोता रहता है, चरण धोता रहता है, चरण स्पर्श करता रहता है, इसलिए वह भारत के चरणों में रहना चाहते थे इसलिए। और दूसरा, मेजर पोर्शन ऑफ एशेज वो ऊपर से डिस्पोज ऑफ इसलिए कराना चाहते थे ताकि वे भारत की मिट्टी में मिल जाएं और एक अभिन्न अंग बन जाएं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ सभी न्यू लेक्चर्स और इन सारे लेक्चर्स के इंग्लिश वर्जन्स लेने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। स्टूडेंट्स, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर सुने, क्योंकि इंग्लिश वर्जन लेक्चर में जब आप लैंग्वेज सुनते हैं तो आपको आंसर्स लिखना आसान हो जाता है। पहले आप हिंदी वर्जन लेक्चर सुने, उसके बाद इंग्लिश ज़रूर सुने, ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी बातें हैं जो आपके ईयर्स और माइंड के थ्रू आप को और अच्छे से बहुत कुछ सिखा दें और आप इसके अभ्यस्त हो जाएं। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग हिंदी and English lectures as well. Thanks.